मधुपर्क नाम का मिष्ठान दुकान है जो कि एक चेन चल रहा है सासाराम कोचेस औरंगाबाद और भी कई जगहों पे है इसका, और अब आपके शहर आरा में शुरू किया गया है। हमारा प्रयास है अच्छे मूल्य पे अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए एक अच्छी व्यवस्था प्रदान की जाए। शहर के लोगों को आप ये विश्वास दिला रही हैं कि बेहतर यदि मिठाई लेना है तो यहाँ पर मिलेगी? ज़रूर ज़रूर, उनकी सारी डिमांड को पूरी की जाएगी, उनके सारे सजेशंस को वेलकम किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि ऐसा दिया जाए कि एक बार जिसको ये स्वाद मिले वो दोबारा पधारे। सासाराम, डिहरी, औरंगाबाद, भभुआ, कोचस, मोहनिया, ये दिनारा ना, और बेहतर क्वालिटी देने के लिए ये हम लोगों ने यह आरा एक ब्रांच खोला है ना, जिससे ये कस्टमर को ना कम दाम पे अच्छा ये मिठाई ये दिया जाए। हर तरह की मिठाई आप? हाँ हाँ, हर तरह की ना। मधु पार्क है ना, मधु पार्क मिष्ठान भंडार में है, और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पे ये दुकान का उद्घाटन हो चुका है, चल रहा है, और पहली बार आरा में इन्होंने अपनी ब्रांच दी है और काफ़ी ही खूबसूरत तरीके से और बहुत बढ़िया आरा जंक्शन के ठीक नीचे ही ये आपको ये दुकान मिलेगी, और बहुत फेमस मिठाई का ये दुकान है। जो लोग औरंगाबाद वगैरह में खाए होंगे तो उनको पता होगा, आप एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ का स्वाद चखें, फिर आपको पता चलेगा कितना लाजवाब और कितना बढ़िया। जी, कोई एक बार आएगा ना, ये टेस्ट करेगा तो ये समझ में आ जाएगा ना, लेना नहीं है, पहले टेस्ट कर लीजिए आप, स्वाद के लिए जाना जाए। हाँ, पहले स्वाद के लिए जानी है कैसा है ना, पहले टेस्ट कीजिए, जब अच्छा लगे तभी लीजिए आप ना। नाम है सर? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह। आलोक कुमार सिंह जी हैं, और आलोक जी का ही ये प्रतिष्ठान दुकान है, और काफ़ी ही खूबसूरत बनाया गया है, छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया है, और बहुत बेहतर तरीके से इसको आप देख रहे हैं। चूँकि धनतेरस आ गया, दीपावली का समय है, और इस समय निश्चित तौर से हर जो शौकीन लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करें, और बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करें, बढ़िया मिठाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने घरों में ले जा सकते हैं। और भी बहुत सारे मिठाई के दुकान हैं, लेकिन जब आप मधु पार्क में आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ का स्वाद ही कुछ अलग होगा। लोग सस्ता सासाराम, डिहरी, औरंगाबाद, भभुआ, कोचस, मोहनिया, ये दिनारा ना, और बेहतर क्वालिटी देने के लिए ये हम लोगों ने यह आरा एक ब्रांच खोला है ना, जिससे ये कस्टमर को ना कम दाम पे अच्छा ये मिठाई ये दिया जाए। हर तरह की मिठाई आप? हाँ हाँ, हर तरह की ना ना, ये सूखा, ये छेना का ना, ये बेकरी चाट बने, हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे ना, बेहतर मिलेगा। डिलीवरी भी देंगे दूर? हाँ, भविष्य में डिलीवरी देंगे ना। क्या जी, ये मधुपर्क नाम का मिष्ठान दुकान है जो कि एक चेन चल रहा है सासाराम कोचेस औरंगाबाद और भी कई जगहों पे है इसका, और अब आपके शहर आरा में शुरू किया गया है। हमारा प्रयास है अच्छे मूल्य पे अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए एक अच्छी व्यवस्था प्रदान की जाए। शहर के लोगों को आप ये विश्वास दिला रही हैं कि बेहतर यदि मिठाई लेना है तो यहाँ पर मिलेगी? ज़रूर ज़रूर, उनकी सारी डिमांड को पूरी की जाएगी, उनके सारे सजेशंस को वेलकम किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि ऐसा दिया जाए कि एक बार जिसको ये स्वाद मिले वो दोबारा पधारे यहाँ। सब मिठाई यहीं पे बनेगा या फिर कहीं और? सबका कारखाना उसके क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुष्पा हुआ। देखिए, कुछ लोग खा रहे हैं और उद्घाटन में आए हैं, हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ का मिठाई? बहुत बढ़िया स्वाद है। अच्छा है? अच्छा है। आप क्या कहेंगे? जी, अच्छा है। अच्छा है, क्या लगता है आरा के लोगों को पसंद आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, और यहाँ से हम लोग बाहर अपने यहाँ भी मीठा ले जाएंगे। स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? कोचस से। कोचस से आए? देखिए, कोचस से भी लोग आए हुए, तो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, और उद्घाटन भव्य तरीके से हुआ, बड़ा ही शानदार तरीके से उद्घाटन हुआ, और आपने देखा है, आपके पिताजी उद्घाटन किए? जी हाँ, मेरे फादर हैं। तो मैं बता दूं कि आलोक जी के पिताजी ने उद्घाटन किया, और कहीं ना कहीं एक सभ्यता, संस्कार और सभ्यता को दिखाता है, और एक बहुत ही सुंदर, चूँकि लोग क्या करते थे ना कि किसी वीआईपी को बुला के उद्घाटन करते थे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज ये लोग दे रहा है कि नहीं, हमारे जो घर जीवन है, जो हमारे भगवान तुल्य हैं, माता पिता, उनसे बढ़ के और कौन हो सकता है। और इन्होंने अपने पिताजी के हाथों से उद्घाटन करा के एक बहुत शानदार मैसेज दिया कि नहीं, हमारे पिताजी उद्घाटन करेंगे, और तब जाके एक
निश्चित तौर से बहुत बढ़िया। देखिए अरुण ओझा जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पटना से आए हैं, क्या कहेंगे। एक दुकान का बढ़िया मिठाई का दुकान का उद्घाटन हुआ और मिठाई तो आपका बहुत भाई प्रेमी है आप मिठाई। ये मधु पार्क दुकान जो आज खुला हुआ है, ये हमारे अति करीबी मित्र हैं आलोक जी, उन्हीं का दुकान है। और ये मधु पार्क का अपना चेन है, उसी चेन की कड़ी में ये आरा में आज खुली हुई है दुकान। ये दुकान सासाराम, औरंगाबाद, बबुआ इत्यादि जगहों पे, पूरे शाहबाद में जो है कि इन लोगों का अपना ये चेन है और बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन है और रिजनेबल रेट में हम लोग जो है कि यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराएंगे ये चीज़ जो है। तो बहुत धन्यवाद। तो होता है ना कि बढ़िया मिठाई होती है तो रेट बढ़िया लगता है, ज़्यादा लगता है, महंगा होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगा कि आप अच्छी मिठाई खाएंगे, सस्ते रेट में खाएंगे। तो फिर देर किस बात की, यदि दीपावली में पूजा करना हो या धनतेरस पूजा, जो भी हो, आपको यदि आप मिठाई के शौकीन हैं तो फिर मधुपर्स में आ जाना है। बस मैं आपको बता दूँ, एड्रेस रमना मैदान के पास, साउथ रमना रोड है ये, और आरा जंक्शन के पास, आरा जंक्शन के ठीक नीचे ही ये बना, आरा जंक्शन जो रेस्टोरेंट है, आरा जंक्शन स्टेशन वाला मत समझिएगा, आरा जंक्शन रेस्टोरेंट के ठीक नीचे ये है। आप आएँ और ज़रूर चखें। ये देखिए, एक बहुत ही होनहार युवा है जयशंकर पांडे, क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा, मिठाई खाएंगे? खाएंगे, अभी खाए नहीं, अभी जस्ट आइए रहे हैं। बहुत अच्छा, देखने में तो इतना सुंदर लग रहा है, कहने लगे अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत जमेगा, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, बच्चों ने जिस तरह का, चूंकि हर कोई को देखा जाता है कि किसी नेता को, किसी मंत्री को बुला के उद्घाटन कर, लेकिन उन्होंने अपने आदर्श को दिखाते हुए अपने पिताजी से उद्घाटन कराया, आपसे उद्घाटन कराया, कैसी अनुभूति हो रही, कैसी खुशी हो रही, क्या कहना? बहुत खुशी है, धंधा में लग गए, बहुत खुशी है। चलिए, देखिए पिताजी की आंखें भर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जब अच्छा करते हैं, अपने संस्कार का परिचय देते हैं, तो एक पिता को इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे इतना कहूँगा कि धनतेरस और दीपावली में यदि मिठाई लेना है तो एक बार मधु पार्स में ज़रूर आए। धन्यवाद, थैंक यू।